हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। डीयू के पीएचडी एडमिशन 2021 स्टार्ट हो चुके हैं। एमफिल और पीएचडी में एडमिशन के लिए पोर्टल खुल गया है और एप्लीकेशन फॉर्म डिमांड किए जा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो रिसर्च प्रपोजल का, ये एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो आपसे डिमांड करती है। तो ये यूनिवर्सिटी आपके रिसर्च प्रपोजल है, कुछ स्ट्रीम्स में एमफिल और पीएचडी में आपकी डिमांड कर रही है, तो उसके रिगार्डिंग आपको रिसर्च प्रपोजल वहाँ पर आपको फिल करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म में ही। और ये महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, मैंडेटरी है। उस पर आप ये नहीं कि उसको छोड़ नहीं सकते, बिल्कुल मैंडेटरी है, ये आप जब फिल करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि डीयू क्यों मान इस चीज़ का डिमांड करता है और इसके साथ साथ डीयू इस चीज़ से क्या करना चाहता है, वो चीज़ हम समझेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी चीज़ें कंसर्न की जाएंगी डीयू 2021 पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, उसके साथ साथ इस चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और मैं मनदीप लांबा आपके साथ सभी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आपका यहाँ पर एम फिल के रिगार्डिंग अगर बात करें तो कुछ मैंडेटरी डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपके ये डिपार्टमेंट्स देखने में मिलते हैं, अफ्रीकन स्टडीज, बॉटनी, कॉमर्स, एजुकेशन, इंग्लिश, जियोलॉजी और सोशियोलॉजी। ये डिपार्टमेंट्स आपके मैंडेटरी एम फिल की डिमांड कर रही हैं। अगर आपको एम फिल में एडमिशन लेना है तो रिसर्च प्रपोजल देना होगा। अगर इस कॉलम में आपका सब्जेक्ट है तो इस कॉलम में कोई ज़रूरत नहीं है, नॉन मैंडेटरी आपका एम फिल के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। अभी मैंडेटरी की बात करें तो रिसर्च प्रपोजल जो पीएचडी के लिए आपका मैंडेटरी है वो आपका ये कॉलम है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका अगर डिपार्टमेंट है तो आपका रिसर्च प्रपोजल मैंडेटरी रहेगा, आपको अपलोड करना, ठीक है। अगर नॉन मैंडेटरी की बात करें तो आपका बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, ईस्ट एशियन स्टडीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंट साइंस, जेनेटिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एंड लिटरेसी स्टडीज, ऑपरेशनल रिसर्च, पर्शियन फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टैट्स एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट आपके डिमांड नहीं कर रहा पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल की। इसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स हैं वो आपके रिसर्च प्रपोजल की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो ये तो क्लियर कट रहा कि आपका व्यू मिल गया कि एमफिल और पीएचडी में कौन कौन सा डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर मैंडेटरी रिसर्च प्रपोजल मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद आपकी कुछ मैंने वीडियोज एक प्लेलिस्ट डिजाइन की हुई है जो कि पीएचडी करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं। तो विद प्रूफ है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिगार्डिंग एमफिल और पीएचडी के लिए कैसे रिसर्च प्रपोजल उस बनाएं और उसके साथ साथ उसमें कैसे अपलोड करें, वो भी सभी चीज़ें इस प्लेलिस्ट में डिजाइन की हुई है। आप ये थंबनेल है जिसमें आप देख सकते हैं, बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, राइट। सबसे पहले तो एक फॉर्मेट होता है आपका कैसे आप रिसर्च प्रपोजल बनाएं, वो आपको जानने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों डिमांड कर रही है। तो सबसे पहले तो आपका कोई भी ये जान लेते हैं कि ये यूनिवर्सिटी आपका रिसर्च प्रपोजल आपका डिमांड कर रही है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में ही डिमांड कर रही है, राइट। तो सबसे पहला तो आपका डाउट रहता है कि रिसर्च प्रपोजल अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म में अभी नहीं बना है हमारा और हम अपलोड कर दें तो क्या उसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। नो डाउट चेंज कर सकते हैं, जब भी आप इंटरव्यू में कॉल करने की जाएगी तो आप वहां पर प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर वेल एंड गुड रहेगा कि आपका रिसर्च प्रपोजल अगर डिजाइंड है तो आप यहाँ पर एज इट इज़ वो चीज़ें आपकी मेंशन कर दें और आप कॉपी पेस्ट वो चीज़ें आपकी कर दें। अगर आपने कहीं फॉर्मेट में लिख रखा है तो वह आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी कोई इशू नहीं रहेगा कि आपका ये रिसर्च प्रपोजल जो आपने सबमिट किया और उससे एडमिशन आपको मिल गया तो एडमिशन के बाद आपका वो ही टॉपिक चलेगा। नो डाउट आपके ये 90% होता है कि जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करते हैं जिससे एडमिशन लेते हैं वो 90% आपका जो टॉपिक होता है वो रिजेक्ट किया जाता है आपके जब भी गाइड से आप मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक वैलिड डाटा रहा जो पीएचडी के रिगार्डिंग, रिसर्च के रिगार्डिंग आपका रहता है, ठीक। अभी पॉइंट ये रहता है कि आपका ये जो यूनिकनेस इन्होंने क्रिएट की है डीयू ने कि टाइटल देना है, मेथोलॉजी देनी है, ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, कुछ बिब्लियोग्राफी है तो वो भी आपको यहाँ पर प्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ें आपकी क्यों उचित समझी जाती हैं, इनके क्यों उचित समझ रहे हैं, इस बात के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये एक तरीके से जो भी रिसर्चर है उसको उसका माइंड बिल्ड करता है, उसके साथ साथ जो भी इंटरव्यूअर है उसको ये पता लगता है कि कितना ये पर्सन
रिसर्च के रिगार्डिंग बेहतर है, कितना कर सकता है, कितना अच्छा कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके बारे में पता लग जाता है। ठीक है, तो आप बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो आपका टाइटल होना चाहिए, यूनिक टाइटल होना चाहिए। यूनिक टाइटल जो कि आपका यहाँ पर आप चूज करेंगे वो यूनिक टाइटल होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि पहले उस पर काम किया हुआ हो और आप उसी पर सेम पर काम करें, ये बिल्कुल आप अडोप्ट नहीं करें, ये आपके लिए बेसिक सजेशन रहती है। दूसरा, आपका जो भी टाइटल आपने क्रिएट किया उसका बैकग्राउंड होता है, बैकग्राउंड आपका टॉपिक का, यानी कि उसमें जो भी आपके रिसेंट में क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आप बताएंगे, और उसके साथ साथ पास्ट में क्या हो गया है उसके बारे में थोड़ा आइडिया प्रिपेयर करेंगे, प्रेजेंट करेंगे उस रिसर्च प्रपोजल में। ठीक है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उस चीज़ में क्या करना चाहते हैं, उस टॉपिक की कंसर्न आप, ये तो जरूरी नहीं है कि वो टॉपिक आपका कंसर्न कर देगा कि आपकी ये क्वेश्चंस रहेंगे, टॉपिक से भी आपके स्पेसिफिक कुछ आप रिसर्च ऑब्जेक्टिव बनाएंगे जो क्वेश्चंस होंगे जिनका आप समाधान करने की या आंसर करने का प्रयास करेंगे इस पूरी रिसर्च में। ठीक है, थर्ड एलिमेंट ये हुआ। फोर्थ एलिमेंट हमारा मेथड्स, मतलब कि हम वहाँ पर क्या प्रपोज्ड मेथड में आपके क्या एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं उसको रिप्रेजेंट करेंगे, हम किस क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव रिसर्च का यूज़ करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो आप मेथड्स के बारे में बताएंगे। अगर आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हो तो जीआईएस से काम करेंगे, फील्ड सर्वे से काम करेंगे, किस मोड पर काम करेंगे ये आप बताएंगे। ठीक है, इसके अलावा मेथोलॉजी की बात करें तो आपके जो भी वर्किंग प्लान होगा या शेड्यूल होगा वो डिटेल्ड आप प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये डिटेल्ड आपका शेड्यूल आप कैसे काम करेंगे उसके बारे में एक फ्रेमवर्क आप तैयार करेंगे जिससे जो पर्सन है उसको उचित पता लग सके, आपके बारे में क्लियर कट व्यू मिल सके कि ये पर्सन क्या करना चाहता है। बिब्लियोग्राफी, अगर आप वहाँ पर मटेरियल जो भी आपने स्टडी किया है ऑलरेडी कुछ मटेरियल होगा जो आपके टाइटल पर जो अपने काम करना चाहते हैं उससे रिगार्डिंग आपको कोई पास्ट में काम हुआ हो उसको आप कंसर्न करना चाहते हैं उसको देखा है तो आप बिब्लियोग्राफी में दे सकते हैं, उससे बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। जो भी टीचर होता है, जो भी पैनल में बैठा होता है, या फिर आपको भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है, ये तो पॉइंट रहे आपके रिसर्च प्रपोजल के। अभी पॉइंट ये आता है कि रिसर्च प्रपोजल आपका यहाँ पर क्या डिमांड करता है आपके ड्यू। ठीक है, तो रिसर्च प्रपोजल में आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक डिमांड करता है, दूसरा आपका एलिमेंट है आपके ऑब्जेक्टिव डिमांड करता है, टॉपिक में ही आपके इंट्रोड्यूस करें अपने टॉपिक को कि क्या आप करना चाहते हैं तो इंट्रोडक्शन की डिमांड कर। ठीक है, फिर बाद में आपकी मेथोलॉजी का डिमांड करता है कि मेथोलॉजी आपकी कैसी होगी, क्या आप काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे वो उसके बारे में आप बताएंगे। अगर आपकी अगर बिब्लियोग्राफी की भी ये डिमांड कर रहा है, ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी की भी डिमांड कर रहा है कि आप बिब्लियोग्राफी क्या उसमें कंसर्न करना चाहते हैं, क्या कंसर्न की है उसके बारे में आप आइडिया देंगे। तो रिसर्च प्रपोजल के लिए आपकी हर एक यूनिवर्सिटी डिमांड करती है, एज सच आपके जो फर्स्ट ऑफ ऑल डी यू है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कर लेती है, और वो कुछ यूनिवर्सिटीज आपकी जब इंटरव्यू होता है उस समय करती हैं, लेकिन लगभग आपकी यूनिवर्सिटीज़ ये फॉलो जरूर करती हैं, ये बात आप ये ध्यान रखें। रिसर्च प्रपोजल आप बना लें तो बेहतर रहेगा, अगर अभी तक नहीं बना है आप अपलोड कर दीजिए, जो भी आपका एरिया है, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपलोड कर दीजिए, उसके बाद आप कुछ चेंजमेंट करना चाहते हैं छोटा मोटा तो आप चेंज कर सकते हैं, एज सच कोई इशू नहीं रहेगा। आप पूरी प्लेलिस्ट डिज़ाइन है आपके डिस्क्रिप्शन में, मैं वीडियो का लिंक पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उस प्लेलिस्ट को आप देखें, बेहतर तरीके से आपको सभी रिसर्च के रिगार्डिंग आपकी बिल्डअप होगी माइंड ऑफ व्यू। ठीक है, तो एक तरीके से काफ़ी महत्वपूर्ण वो प्लेलिस्ट है जो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। कुछ यहाँ पर बुक्स भी हैं जो कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ, उन वीडियो उनके पीडीएफ भी आप चेक कर सकते हैं। आपके पास अगर बुक नहीं है इस क्रूशियल टाइम में तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी एक्सेस कर सकते हैं। हम चीज़ें क्वालिटी के साथ सभी चीज़ें प्रेजेंट करते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और फ्यूचर अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।